हजूर मेरा सवाल पार्टिकल्स के बारे में है आम, वे ऑफ द सीकर में लिखा हुआ है कि जैसे पार्टिकल्स के इनेट मॉरल्स हैं जैसे वो किसी चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं या आम, स्क्रीन करते हैं तो आम, हर पार्टिकल के अंदर अट्रैक्शन बिल्ट इन है अल्लाह ताला की तरफ से आम, तो आम, मैं किताब पढ़ रही थी मजहर उसके अंदर हजूर ने फरमाया है कि जब हम दुआ करते हैं तो आ, वो इस तरह होता है जैसे आ, पूरी दुनिया के पार्टिकल्स या हर दुनिया की जिस चीज़ बनी हुई है वो उस पर्सन की तरफ अट्रैक्ट होती है जो स्परिचुअली जिसका स्टेटस काफ़ी हाई हो मतलब तो कि जो अल्लाह ताला के करीब हो और वो ट्रूली स्पिरिचुअल और राइचस पर्सन हो तो पूरी दुनिया की जो आ, जर्रे जर्रे हैं वो उसकी तरफ खींचने लगते हैं तो वो उन्होंने दुआ के कॉन्टेक्स्ट में आ, इस तरह बताया कि यही फ़िलोसफी है दुआ की तो आप इसकी थोड़ी सी क्लारीफिकेशन कर सकते हैं क्योंकि ये सवाल तक़रीबन चार सालों से मेरे जेहन में जब हम गुलशन में पार्टिकल्स की रिसर्च कर रहे थे और दुआ का इस तरह उसके साथ कैसे लिंक है और जस्ट थोड़ी सी इसके ऊपर क्लारीफिकेशन अगर थोड़ी सी हो सकता है बहुत सारी क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है इतने वक्त में नहीं हो सकती लेकिन दुआ करती हो तो दुआ यही है ना जज्ब करना ठीक है तुम खुद तुम्हारा खुद उस हस्ती से ताल्लुक़ होगा जिसकी तरफ तुमने अट्रैक्ट होना चाहिए और वो अल्लाह ताला ख़ुद तुम्हारी तरफ आता है तो तभी तुम्हारी, तुम्हारी दुआ की कबूलियत का भी असर होता है ना दो हस्तियाँ हैं ना एक तुम दुआ करने वाला एक अल्लाह ताला जो कबूल करने वाला है ठीक है अब जो कबूल करने वाले अब इसके लिए भी ये चीज़ है कि उस उसकी जो जो अट्रैक्ट करने वाले हैं अगर पार्टिकल तो अट्रैक्ट हो रहे हैं मैग्नेट की तरह तुम तो मिसाल देती हो ना लेकिन अगर एक ही पोल करोगी तो फिर अट्रैक्ट होंगे बज दफ़ा नहीं ना अट्रैक्ट होता रिपेल कर रहा होता है हैं तो उसे अट्रैक्शन करने का सामान पैदा करने की ज़रूरत है ना जी। इसलिए अल्लाह ताला से पहले वो ताल्लुक तो पैदा करो जब तुम्हारी दुआ में वो असर पैदा हो इसलिए अल्लाह से ताल्लुक पह इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे रस्ते में पहले तुम जिहाद करो कोशिश करो जब मुझे हासिल कर लोगे तो फिर मेरी तुम्हारी दुआएं इसी तरह कबूल होती जाएंगी जिस तरह हर चीज़ मेरी तरफ़ आती जाएगी जिस तरह अट्रैक्ट होते हैं पार्टिकल ठीक है चार्ज उसमें होगा किसी चार्ज की वजह से जा रहे हैं ना अट्रैक्शन हो रही है ना तो चार्ज पैदा करने की ज़रूरत है ना ठीक है तो कंघी को भी करो बाल बाल खड़े हो जाते हैं उसमें भी चार्ज पैदा होता है ना तो कुछ मेहनत करनी पड़ती है ना इसी तरह अल्लाह ताला को हासिल करने के लिए कोई मेहनत करने की पड़ी जरूरत है मुख्तर जवाब इसका ये है